यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्तेः सहस्रशिरश एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। यस्य ह वा इदं काले नोप संजिहीर्षतो मर्ष विरचित रुचिर भ्रमद ध्रुवोरन्तरेण सांकर्षणो नाम रुद्र एकादश व्यूहस्त्रयक्ष स्त्रीशिखं शूल मुतंभयन्नुदतिष्ठत। यस्यांघ्रिकमल युगलारुण विसदनख मणिषण मंडलेश्व हिपतयः सह सात्वतर शभैरेकांत भक्तियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत कुंडल प्रभा मंडित गंडस्थलान्य तिमनोहराणि प्रमुदित मनसः खलु विलोकयन्ति। यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशाशानाश्चार वंगवलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजत स्तंभे स्वगुरु चंदन कुमकुम पंकानुलेपेना वलिंपमानास्तद भिमर्शनोन मथित हृदय मकरध्वजाश्वेश रुचिर ललितस्मितास्तदनुराग मद मुदित मद विघूर्णितारुण करुणावलोक नयन वदनारविंदम सव्रीडम किल विलोकयन्ति। स एव भगवानन्तोऽनन्त गुणाणव आदिदेव उपसंहृतामर्ष रोष वेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते। ध्यायमानः सुरासुरो रग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणेर नवरत मद मुदित विकृत विव्वल लोचनः सुललित मुखरिका मृते नाप्यायमानः स्वपार्षद विबुध यूथ पतीन परिम्ला नराग नवतुल सिका मोद मध्वा सवेन माद्यन मधुर करव्रात मधुर गीतश्रियं वैजयंतीं स्वाम वनमालां नीलवासा एक कुंडलो हलक कुदि कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान माहेन्द्रो वारणेन्द्र इव कांचनीं कक्षा मुदार लीलो विभर्ति। य एष एव मनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणामनादिकालकर्म वासनाग्रथितम विद्यामयं हृदय ग्रंथिं सत्वरजस्तमोमय मंतर हृदयं गत आशु निर्भिनक्ति तस्यानुभावान भगवान स्वायंभुवो नारदः सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास। उत्पत्तिस्थितलय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्यः प्रकृतिगुणाय दीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाधात् कथमुह वेद तस्य वर्त्म मूर्तिं नः पुरु कृपया बभार सत्त्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीला मृगपतिराददेन वद्या मादातुं स्वजनमनाश्युदार वीर्यः यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेद कस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा हन्त्यः सपदि नृणाम शेषमन्यं कं शेषाद् भगवत आश्रयेन्मुमुक्षुः मूर्धन्यर्पितमनुवत्सहस्रमूर्ध्नो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्यादनिमित विक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत् सहस्रजिह्व एवं प्रभावो भगवानन्तो दुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः मूले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलयाक्ष्मां स्थितये विभर्ति। एता ह्येवेह निभि रूपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेश मनुवर्णिताः कामान् कामयमानेः। एता वतीर्हि राजनपुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाक गतय उच्चा वचा विशदृशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत् कथयाम इति।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भूविवर विध्युपवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। अथ षड्विंशोऽध्यायः। राजोवाच, महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति। ऋषिरुवाच, त्रिगुणत्वात्कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथक्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्याधर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धाया वैशादृश्यात् कर्मफलं विषदृशं भवति या ध्यानाद्यविद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः श्रितयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामः। राजोवाच, नरका नाम भगवन् किं देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विदनन्तराल इति। ऋषिरुवाच, अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणश्याम धस्तादभूमेरु परिष्टाच्च जलाद्यश्यामग्निश्वात्तादयः पितृगणादिशि स्वानां गोत्राणां भरमेण समाधिना सत्या एव शीश आशास्तानां निवसन्ति। यत्र ह वाव भगवान् पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्राप्तेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्मावद्यं दोषमेवानुलङ्घित भगवच्छासनः सगणो दमं धारयति। तत्र हैके नरकानेकविंशति गणयन्ति अथ तांस्ते राजन्नामरूपलक्षणतो नुक्रमिष्या मस्ता मिश्रोन्ध तामिस्त्रो रौरवौ महारौरवः कुम्भीपाकः कालसूत्रमसि पत्रवनं सूकर मुखमन्धकूपः कृमिभोजनः सन्दंस्तप्त सुरमिर्वज्र कण्टक शाल्मली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विषसनं लालाभक्षः सार मेयादनमवी चिरयः पानमिति। किञ्च क्षारकर्दमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोतो दन्दशूको वटनिरोधनः पर्यावर्तनः सूचीमुखमित्यष्टा विंशतिर्नरक विविधयातना भूमयः। तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि कालपाशबद्धो यमपुरुषैरति भयानकैस्तामिश्रे नरके बलान्निपात्यते अनशनानुदपान दण्डता डन संतर्जनादभिर्यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कश्मल मासादित एकदेव मूर्छामुपयाति तामिस्त्रप्रायै। एवमेवान्धतामिस्त्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीनूपयुङ्क्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्टमतिर्नष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृश्यमान मूलस्तस्माद् अन्धतामिस्त्रं तमुपदिशन्ति। यस्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतति। येत्विह यथैवामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र यमयात नामुपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्माद्रौ रवमित्याहु रुरुरिति सर्पादतिक्रूर सत्त्वस्यापदेशः। एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहम्भरः। यस्तिह वा उग्रः पशून पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमप करुणं पुरुषादैरपि विगर्हित ममुत्र यमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति।
यस्तिह पित्री विप्र ब्रह्मध्रुग सकाल सूत्र संज्ञके नरके अयुत योजन परिमंडले ताम्रमये तप्तखले उपर्यधस्ताद अग्न्यर काभ्यामति तप्यमाने भिनिवेशितः क्षुत्पिपासाभ्याम् च दह्यमानान्तरबहिः शरीर आस्ते शेते चेष्टते वतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद् वर्षसहस्राणि यस्पिह वै निजवेदपथादनापद्यपगतः पाखण्डम् चोपगतस्तमसि पत्रवनम् प्रवेश्य कशया प्रहरन्ति।